पिछले पंद्रह सालों में इकतीस मूवीज के साथ मार्वल स्टूडियोज का ये सिनेमैटिक यूनिवर्स काफी वास्ट है यही रीजन है कि इसे पार्ट्स में यानी कि फेजेस में डिवाइड किया हुआ है और हालांकि फेज थ्री तक ये स्ट्रीमलाइन तरीके से चल रहा था लेकिन फेज फोर में डिज्नी प्लस के शोज भी इंक्लूड करने की वजह से फेजेस का सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्वांटम क्वान्टिनिया ने फेज फाइव की शुरुआत तो कर दी है लेकिन इस लॉन्ग रेंजिंग प्लान पे स्टक रहना मार्बल के लिए काफी मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है पहले तो इस साल के डिजनी प्लस शोज डिले हो चुके हैं यानी कि पांच की जगह अब सिर्फ दो शोज आएंगे वहीं लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से एमसीयू के फेज फाइव की मूवीज भी सफल हो रही है जिसकी रिलीज थी के इसकी जगह रिलीज किया जाएगा डेडपुल थ्री जो पार्ट होने वाली थी फेज सिक्स का वो अब एंड करेगी एमसीयू के फेज फाइव को यानी कि डेडपुल थ्री रिलीज होगी आठ नवंबर दो को जबकि ब्लेड मूवी शिफ्ट हो रही है फेज सिक्स में और वो रिलीज होगी 6 सितंबर 2024 को और अगर इसी तरह तो फ्रेंचाइजी के लिए वो किया है जो अवेंजर्स एंड ने अवेंजर्स मूवीज के लिए किया था यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे क्रॉस करना काफी मुश्किल होगा लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन 4 को लेकर ऑडियंस की बहुत सारी उम्मीदें हैं स्पाइडरमैन के लास्ट पार्ट की रिलीज के बाद अब एक साल निकल चुका है और ना ही मार्बल ना ही सोनी ने स्पाइडरमैन के फोर्थ पार्ट की रिलीज डेट कंफर्म की है, है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं है इस साल स्पाइडरमैन से रिलेटेड दो मूवीज है एक एनिमेटेड और दूसरी क्रेवन द हंटर इसके अलावा नेक्स्ट ईयर आएगी मैडम वेब मूवी जो रिलेटेड है स्पाइडरमैन दो अब 2024 में 7 जून एक ऐसी डेट है जो सोनी ने रिजर्व रखी है एक मार्वल प्रोजेक्ट के लिए लेकिन फिर अगर हम मूवीज की रिलीज डेट देखे तो दो इसी टाइम एक महीने पहले रिलीज होगी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जून के ही एक महीने बाद रिलीज होगी थंडर कि तीन महीने में बैक टू बैक तीन मार्वल मूवीज नहीं आ सकती जिसका मतलब है की स्पाइडरमैन फोर के लिए अगर कोई स्लॉट अवेलेबल है वो साल दो में ही होगा यानी कि साल दो हजार एमसीयू के लिए काफी बड़ा साल होने वाला है और वो कैसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में 2021 में शेंक और इटर्नल दोनों ही न्यू सुपर हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस हुए मार्वल यूनिवर्स में अब शैंक की पॉपुलैरिटी और इस कैरेक्टर के टेन रिंग जो एमसीयू के मल्टीवर्स प्लॉट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसी रीजन से इस मूवी का सीक्वल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था बट वही इटर्नल सिनेमा स्कोर पे बी रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे मार्वल के स्टैंडर्ड ऐसी काफी बुरी गई देन अगेन सेलेस्टियल्स के साथ लिंक होने की वजह से इटर का सीक्वल भी जल्दी आने वाला है मार्वल ने अपने प्रोडक्शन रोस्टर में इटर टू और

का सेकेंड पार्ट और जैसे मैंने पहले बताया स्पाइडरमैन फोर भी अब इतनी सारी मूवीज को अकोमोडेट करने के लिए मार्वल को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को एक साल आगे पुश करना पड़ सकता है बट अगेन लेट्स वेट एंड वॉच अब शेंकची टू हमें लेके आती है शेंगी पे और क्यों ये कैरेक्टर और कैप्टन मार्वल द मल्टीवर्स सागा के लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है टू में दिखाई गई टेन रिंग्स एक कॉस्मिक वेपन है जिसका ओरिजिन हमें मूवी में नहीं बताया गया और साथ ही फिर एंड क्रेडिट्स में ये रिंग्स कहाँ सिग्नल सेंड कर रहे थे वो भी एक मिस्ट्री है सिमिलरली मिस मार्बल सीरीज में दिखी कमाला के कॉस्मिक बैंगल्स भी एक मिस्ट्री है लेकिन इन दोनों की एनर्जी पैटर्न और कलर मैच करता है एंटमैन एंड द वास क्वांटम इनिया में दिखी कैंक की टेक्नोलॉजी से अब इवन दो क्वांटम इनिया में इनका लिंक नहीं दिखाया गया

पिछले मल्टीवर्स वॉर में यूज हुए वेपन्स हैं और ये चीज सच भी हो सकती है क्योंकि ये फिर लिंक करेगा इन वेपन्स को कैंग के साथ इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना इस थे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हाँ जाने ऐसी पहले इस वीक का बोनस पॉइलर एमसीयू की वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी पे अभी भी काम चल रहा है और ये लीक कहता है की मेस्ट्रो होगा वर्ल्ड वॉर हल्क का विलन अर्थ यानी एक टू फ्यूचर यानी से बिलोंग करने वाला हल्क का एक और वेरियंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में